Consider a uniform electric field E is equal to 3 into 10 to power 3 I न्यूटन पर कूलम. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है एक्स डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड है 3 into 10 to power 3 न्यूटन पर कूलम. व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन. प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है. आराम समझो पहले इसको. ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लिया जेड. तो जो स्क्वायर प्लेट है वो इस तरह से रखी हुई है जो वाई जेड प्लेन में है. ठीक है, कौन से प्लेन में है ये? वाई जेड प्लेन. और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर है? तो जो फ्लक्स आएगा वो सिंपली हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया डायरेक्ट. वैसे ई ए कॉस थीटा होता है, लेकिन इस केस में थीटा जो है वो जीरो है. क्यों? एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर. तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? जीरो डिग्री. तो कितना आ जाएगा फ्लक्स आपका? फ्लक्स आ जाएगा ई e कितना है? 3 इंटू 10 इज पावर 3 और एरिया 10 सेंटीमीटर है यानी 0.1 मीटर. इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा. तो कितना फ्लक्स आ जाएगा? 30. यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर. ठीक है, 30 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, इतना फ्लक्स पास कर जाएगा. दूसरे पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. अब स्क्वायर जो है इस तरह से बेंड कर दिया गया, ऐसे टेढ़ा कर दिया स्क्वायर, ताकि सरफेस का जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये जो एंगल है वो 60 डिग्री बना रहा है. इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एंगल कितना हो गया? ये 60 डिग्री. तो फ्लक्स कितना पास करेगा? वही फॉर्मूला है, लेकिन अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई ए कॉस जीरो नहीं रहा, अब क्या बन गया? कॉस 60. तो ई ए का प्रोडक्ट तो 30 आ ही रहा है और कॉस 60 होता है हाफ, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 15 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर. क्लियर?